तो आज जो टॉपिक है वो है एसिडिटी। एसिडिटी एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर सभी लोगों को होती रहती है। तो एसिडिटी है क्या, इसके बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसके क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं और साथ ही इसकी मेडिसिन्स के बारे में भी जानेंगे। लेकिन जो मेडिसिन्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो एक वो बायोकेमिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन है जो जनरली आपको टैबलेट्स के रूप में मिल जाएंगी मार्केट में, या फिर आप चाहेंगे तो लिक्विड फॉर्म में भी इसे ले सकते हैं। 20-30 इस टाइप से आपको मिलेगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि एसिडिटी है क्या। एसिडिटी एक ऐसी बीमारी है, या फिर कई लोग तो इसे बीमारी भी नहीं मानते। होता क्या है एसिडिटी में, एसिडिटी सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ स्टोमेक का फोटो, यानी कि हमारे आमाशय का फोटो। इसमें आप देखिए, इस तस्वीर में आप देखिए कि HCl नामक एक पदार्थ रिलीज होता है, निकलता है, और उसके बाद फिर अगर उसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। क्या क्या प्रॉब्लम होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि हमारे शरीर में पानी का जो तत्व है, अगर वो घटेगा, चाहे वो ब्लड में यानी कि खून में घटे, या फिर हमारे आमाशय में घटे, या फिर जो सिक्रेशन होता है, पचाने की जो प्रोसेस होती है, उसमें कहीं भी प्रॉब्लम आएगी, कहीं भी हल्का भी जो बैलेंस है वो ऊपर नीचे होगा, तो उसके बाद प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। तो ये दरअसल पानी ज्यादा पीना ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अगर आपको एसिडिटी है तो। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि जो खाना खा रहे हैं उसका इंटरवल सही होना चाहिए, और कोशिश कीजिए जो तेल वाली चीजें हैं, तली भुनी चीजें, उसे कम खाइए। क्यों? क्योंकि तेल वाली चीजें खाने से क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका, जो डाइजेशन करता है यानी कि जो पचाने की क्रिया होती है, वो थोड़ी बहुत इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि आप पानी भरपूर मात्रा में नहीं लेते। तो पानी भरपूर मात्रा में लेनी जरूरी है। अगर आप बहुत ही ज्यादा तली भुनी चीजें खा रहे हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि पानी बहुत ज्यादा मात्रा में उसके बाद लेनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं सिम्टम्स को लेकर कि सिम्टम्स कैसे आएंगे एसिडिटी में, क्योंकि एसिडिटी ठीक है ये तो पता है हमें कि एसिडिटी है, थोड़ा बहुत लोग जानते भी हैं, गैस हो जाता है इसमें, पेट फूल जाता है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या होता है? तो इसके अलावा होता है क्या कि सिर्फ पेट फूलता नहीं है, जलन भी कई बार होती है आपको, आपके सीने में कई बार, पेट में दर्द भी होता है कई बार, एसिडिटी के ज्यादा होने के कारण सर पे भी दर्द होता है, और हल्का फुल्का दर्द होगा लेकिन होगा, राइट। उसके साथ कई बार आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द भी हो सकता है। तो एसिडिटी एक बहुत गंभीर बीमारी है। तो चलिए आइए इसे ये समझते हैं कि हमारे होम्योपैथ में कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो एसिडिटी के लिए काम करती है। बहुत सारे मेरे पेशेंट या बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते हैं ये सवाल कि एसिडिटी तो हो गई है लेकिन एक अच्छी मेडिसिन हमें नहीं मिलती जिससे ये इस पे कोई फर्क पड़े, क्योंकि एसिडिटी एक ऐसी बीमारी है जो हो ही जाती है। अगर आपका खाना डिसबैलेंस होगा या थोड़ा भी इधर उधर हुआ, बैलेंस आप किए नहीं खाने को, तो होगा एसिडिटी। लेकिन अब इसकी एक अच्छी दवा कहीं नहीं मिलती है। और अगर होम्योपैथ की बात करें तो होम्योपैथ में कई लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि कौन सी मेडिसिन जो है वो बढ़िया होगी। तो मेरे ख्याल से जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने पढ़ा है, कुछ मेडिसिन्स मैं आपको आज एसिडिटी की बताने जा रही हूँ जो बहुत अच्छा असर करेगी। अगर आपको क्रॉनिक एसिडिटी है, ये बहुत समय से आपकी एसिडिटी जो है वो अभी तक है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका पेट फूला हुआ रहता है, आपका जो है हार्ट बर्न होता है, कुछ भी इस तरह की दिक्कत हो, जलन होती है गले तरफ, या फिर डकार, खट्टी डकारें आती हैं, तो भी आप समझिए कि एसिडिटी के बहुत सारे ये लक्षण हैं। और आगे चल के क्या होता है कि ये जो जितने सिम्टम्स मैंने आपको बताए इतने खतरनाक हो जाते हैं कि इंसान जो है वो अपने आप को डिस्कम्फर्ट फील करने लगता है, उसे सबके साथ आराम से वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। तो चलिए ये जानते हैं कि इसकी मेडिसिन क्या क्या है। पहली मेडिसिन जो इसकी है वो ये है नाइट्रम फॉस। नाइट्रम फॉस एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। अगर आप नाइट्रम फॉस लेते हैं तो
मैं पर्सनली बताती हूँ, नाइट्रोफॉस इतनी बढ़िया मेडिसिन है कि अगर आप उसे रेगुलर लेते हैं तो आपका जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ आपको खूब सारा पानी और खाना खाने की टाइमिंग जो है वो एक सही टाइमिंग रखनी होगी, और उसके साथ खाने में कुछ ऐसे पदार्थ भी लें, जैसे कि खाने में कुछ फ्रूट्स जरूर रखें, कुछ फल। अब वो डेली फल नहीं हो पाता तो कम से कम सप्ताह में एक बार आप फल वगैरह ये जरूर खाएं। ज्यादा तली भुनी चीजें अवॉइड करें, नहीं खाएं, कोशिश करें कि कम ही खाएं, सप्ताह में एक बार डेली, या जिस तरह सप्ताह में आप एक बार फल ले रहे हैं उसी तरह सप्ताह में एक बार इस तरीके के खाना ले लें। तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट के साथ एसिडिटी 100% खत्म हो जाएगी। तो नाइट्रम फॉस एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है मेरे ख्याल से, या मैंने जितना देखा है नाइट्रम फॉस जो है वो फर्स्ट ग्रेड की मेडिसिन आती है अगर आपको एसिडिटी की कोई भी प्रॉब्लम है। तो चलिए आइए जानते हैं कि सिर्फ क्या नाइट्रम फॉस ही एक मेडिसिन है। तो नाइट्रम फॉस दरअसल जितनी प्रेजेंटिंग सिम्टम्स हैं, हार्ट बर्न ले लिए ले लीजिए आप, डकारे आ रही हैं, ये जो भी प्रॉब्लम है सबको खत्म कर देती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये काम करती है। और इसे लेना कैसे है वो सब मैं आपको डिटेल में यहाँ कैसे बताऊँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, लेकिन अगर आप डिटेल चाहते हैं तो मैं शॉर्टली आपको बता देती हूँ कि आप 6 भी ले सकते हैं, 3x भी ले सकते हैं। तो 6x अगर आप लेते हैं या 3x जो भी आप लेते हैं, वो चार चार गोली करके 4 बार लीजिए गर्म पानी के साथ। तो अभी मैं जितनी मेडिसिन बता रही हूँ ना वो आप इस तरीके से ले सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं दूसरी मेडिसिन की, और वो है नाइट्रम सल्फ। नाइट्रम सल्फ भी आपको, देखिए कई बार लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, हमें ये नहीं पता कि हम होम्योपैथी मेडिसिन कहाँ से लें। तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जाके ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और आप ले सकते हैं जो भी आपको मेडिसिन नहीं मिल रही हो। तो नाइट्रम सल्फ की बात करें तो नाइट्रम सल्फ एक ऐसी मेडिसिन है जिसे हम एल्कलाइन सल्फेट के नाम से जानते हैं, और वो बहुत ही बढ़िया असर करेगी अगर आप नाइट्रम फॉस के साथ नाइट्रम सल्फ भी लें। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपके जो है प्रॉब्लम, जितनी भी है एसिडिटी की प्रॉब्लम सबको शॉर्ट आउट कर देती, सबको प्रॉब्लम जितनी भी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाती है। अब साइलेसिया जो है थर्ड मेडिसिन जो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बहुत सारे चीजों में वो काम करती है। दरअसल होता क्या है कि अगर आपको डकार आ रही है, डकार के साथ पानी भी आ जाता है, तो ऐसी चीजें अगर आपके आपके साथ हो रही हैं तो आपको साइलेसिया लेनी चाहिए, ठीक है। और आप इसे नाइट्रम फॉस के साथ ले सकते हैं तो ये बहुत अच्छा असर करेगी। फिर कई बार लोग कहते हैं कि डकारे आती हैं और उसके साथ पानी भी आता है, कई लोग ये भी कहते हैं कि ये है क्या कहते हैं उसे, जलन है, राइट। कई लोग कहते हैं हार्ट, मतलब हार्ट बर्न हमारा हो रहा है, यानी कि एक कैसे कैसे इसे एक्सप्लेन करूं, थोड़ा सा जलन टाइप आपको लग रहा है सीने में, और वो जो है वो ऊपर तक आ रही है जलन। कई बार ऐसा लगता है जैसे कि अचानक से एक दर्द उठा। तो इस सब चीज अगर आपके साथ हो रही है तो आपको साइलेसिया के साथ नाइट्रम फॉस लेना है। अब मैकफॉस की बात करें, सबका मेडिसिन लेने का तरीका वो ही है, 4 गोली, ठीक है, और भी गर्म पानी के साथ। अब मैकफॉस की बात करें तो मैकफॉस एक ऐसी मेडिसिन है जो बर्निंग में ज्यादा असर करती है। बर्निंग के साथ आप देखेंगे कि पेट जो है वो फूल गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है मैकफॉस की कि इसमें क्या होता है कि टेस्टलेस आपको इरिटेशन, यानी कि जो डकार आएगी उसमें कोई टेस्ट नहीं होगा, उसमें कोई स्वाद नहीं होगा, उसमें कुछ नहीं होगा, कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं। और जब आप उसे गर्म पानी अगर आप लेते हैं, कई लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो आप उसे गर्म पानी लीजिए, आपको बहुत अच्छा असर करेगा। लेकिन अगर आपने कभी गर्म पानी लिया हो और आपको लगे कि आपको बहुत आराम मिलता है, आपके डकार के साथ कोई पानी नहीं है, कुछ भी उसमें टेस्ट नहीं है, तो भी आप इसे मैकफॉस को ले सकते हैं। मैकफॉस में क्या होता है, पेट जो है वो फूला हुआ रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि पेट भरा भरा है मेरा, मैं और कुछ नहीं खाऊं। कई बार ऐसा लगेगा कि एसिडिटी बन रही है, वो निकल रही है,
राइट। तो इस ऐसी इतनी सारे सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं तो फिर आप मैकफॉस लें। लेकिन हाँ, मैं फिर कहूंगी कि मैकफॉस के साथ आपको नाइट्रम फॉस एक बेस्ट मेडिसिन है, जिसे कि मैं पहले नंबर पे रखूंगी। तो आपको नाइट्रम फॉस लेना ही चाहिए, ठीक है। तो नाइट्रम फॉस मेरे ख्याल से तो फर्स्ट ग्रेड की मेडिसिन है, और आपको जरूर ट्राई करना चाहिए नाइट्रम फॉस अगर आप भी एसिडिटी के शिकार हैं। तो शॉर्ट में मैं कहूँ तो जितनी सारी मेडिसिन मैंने आपको बताई वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, वहां जाके आप खरीद सकते हैं। और अगर आपके सामने कोई शॉप है तो वहां जाके भी आप दवाइयाँ ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जो मैंने आपको बताई, एसिडिटी के लिए बेस्ट मेडिसिन है। जितने लोगों को मैंने दी है, पर्सनली मैं बात कर रही हूँ, जितने को मैंने दी है, इवन मेरे घर में भी मैंने बहुत लोगों को दिया है, क्योंकि ये आम बीमारी है। लोग किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो आपको तो तली भुनी चीजें ही मिलेंगी। आप बाहर सफर करने जाते हैं तो भी आपको तली भुनी चीजें ही खानी होंगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होता। और ये तली भुनी चीजें जो है काफी टाइम तक आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, इसीलिए ये सारी चीजें आपको हर जगह मिल जाएंगी। तो आप कैसे अपने आप को रोकेंगे? इसीलिए इन सब मेडिसिन्स को अपने साथ रखें। कई बार क्या होता है, लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि नाइट्रम फॉस या इस तरह की कोई भी मेडिसिन जो है, बायोकेमिक मेडिसिन्स अगर हम लेते हैं, तो जो गर्म पानी तो हम उसके साथ नहीं ले सकते। तो गर्म पानी नहीं ले सकते आप, लेकिन वो 4 गोलियां खाएंगे, चूस चूस के खाना है, राइट। उसे चबाना नहीं है, चूस के खाना है, तो भी आपको असर जरूर दिखेगा। और गर्म पानी हर इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो आप चूस के भी ले सकते हैं। और ये तो थी आज एसिडिटी के बारे में, कल फिर किसी और अच्छे से वीडियो के साथ मिलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप अगर मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।